अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दी न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तो आज की वीडियो का टॉपिक एप्सन L805 के स्पेक्स और उसके फीचर्स वगैरह आपको बताएंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, और डिस्क्रिप्शन मेरा एक और यूट्यूब चैनल है आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं जिस एप्सन के प्रिंटर की मैं बात कर रहा था, देखें जी टेबल पे पड़ा काफ़ी खूबसूरत है। फुल ब्लैक कलर में ये मशीन है, साफ सुथरी और ब्रांडेड और लेटेस्ट मॉडल में ये मशीन है। अभी भी मार्केट में ये ब्रांड न्यू अवेलेबल है मार्केट में। 6 कलर में ये एप्सन का प्रिंटर है और लेटेस्ट मॉडल है। विद वाईफाई के साथ ये बेहतरीन चलता है। इससे आप A4 पेपर, प्लेन पेपर, मैट पेपर, मुख्तलिफ पेपर साइज़ वगैरह इजीली आप लगा सकते हैं, इजीली वर्क कर सकते हैं। 6 कलर की इसकी इंक कॉटरेज है, 7 किट बनी हुई है। आप देख सकते हैं इसमें इंक डलती है। तो सबसे पहले आप फ्रंट वाली साइड पे देखें तो फ्रंट वाली साइड पे ट्रे है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट ट्रे है, और उसके साथ आप देखें तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, इस प्रिंटर को ऑन कर सकते हैं और वाईफाई कर सकते हैं, इसकी IP कर सकते हैं, इसको रीसेट कर सकते हैं, और कोई फाइल आपने गलती से सेंड कर दी तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। और साइड पे आएंगे तो L805 इसका मॉडल है। तो इसका टॉप कवर को जब उठाएंगे तो आप अंदर वाली साइड पे देखें तो ये कैटरेज है, इधर से इंक सप्लाई होती है आगे कैटरेज में, फिर वो हेडवर्क करते हैं। तो बाकी अंदर से देखें साफ सुथरा प्रिंटर है, कॉम्पैक्ट साइज़ में आप इजीली इसे UPS पे चला सकते हैं। 12 वोल्टेज की इसकी सप्लाई है, बेहतरीन है। तो सबसे पहले हम इसके स्पेक्स की बात करते हैं। तो स्पेक्स में आप देखें तो ऊपर वाली साइड पे आएँ तो ये वाली इनपुट ट्रे है, इसमें आप इजीली प्लेन पेपर 250 शीट आराम से लगा सकते हैं इसमें, जो कि अभी मैंने नॉर्मल पेपर लगाए हुए हैं प्लेन पेपर वाले। तो इसके अलावा इसमें आप ग्लॉस पेपर भी लगा सकते हैं, मैट पेपर वगैरह भी लगा सकते हैं। उसकी जो कैपेसिटी है 20 पेज, यहाँ आप ग्लॉस पेपर, मैट पेपर इजीली आप लगा सकते हैं। इसमें आप लीगल साइज़ की प्रिंटिंग कर सकते हैं, A4 साइज़ भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, चेक साइज़ प्रिंटिंग कर सकते हैं, और भी कोई आपने साइज़ करना हो उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। मैक्सिमम ये लीगल तक प्रिंट करता है। इसके अलावा इसकी जो आउटपुट ट्रे है, इधर तो एक तो जो इसकी कैपेसिटी है पेपर की, ये तकरीबन 50+ शीट यहाँ निकलेंगे, और इधर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि ये नीचे ना गिरें, इसके पेपर A4 हो या ग्लॉस पेपर हो वो यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप PVC कार्ड भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, इसमें आप CD DVD भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दी हुई है इधर, हाँ यहाँ से आप PVC कार्ड की ट्रे मिलती है, वो जो एक्स्ट्रा मिलती है बॉक्स बैग प्रिंटर में, ब्रांडेड प्रिंटर में नहीं आती, आपको लेदर से बाय करनी पड़ती है। वो ट्रे आप यहाँ लगाएं पेपर PVC कार्ड ऊपर रख के, तो आप यहां से आप इन करें तो वो प्रिंटिंग करके, और ऐसे ही CD DVD को भी ऐसे ही प्रिंटिंग कर सकते हैं। बड़ी अच्छी है, इसमें आप डाई इंक भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप सब्लिमेशन इंक भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप पिगमेंट इंक भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप मग प्रिंटिंग और कैप प्रिंटिंग और छोटे मोटे टी शर्ट प्रिंटिंग आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। बेहतरीन प्रिंटर है, इसको आप जैसे मर्जी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें आप ये है कि आप डेली की वर्किंग करें इसके ऊपर, डेली की प्रिंटिंग करें तो ये चलता रहता है, इसका हेड ब्लॉक वगैरह नहीं होता। तो साइड पे जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको इंक लेवल बताएगा, और इधर ही आपको बताया देगा कि कौन कौन सा किस किस जगह पे वो इंक डलती है। तो जब इसको उठाएंगे कवर को तो आप देखें जी ये बताएगा आपको सियान कलर है ये वाला, इसके अलावा इसमें मजेंटा कलर है, इसमें लाइट सियान है, लाइट मजेंटा है, ब्लैक है और येलो कलर है। इस हिसाब से, इस सीक्वेंस से आप इसे प्रिंट इंक डाल सकते हैं, और तकरीबन इसमें 100 ml इंक इसमें ऐड हो जाती है। आप अच्छी क्वालिटी वाली यूज़ करें डाई में तो बेहतरीन चलेगा, फोटो पेपर बहुत अला प्रिंटिंग करेगा, आपका पासपोर्ट साइज पिक्चर भी इजीली प्रिंटिंग कर देगा, बेहतरीन है, साफ़ सुथरा कॉम्पैक्ट साइज़ में आप यूज़ इजीली इसको कर सकते हैं। इंक प्रिंटिंग करती है कॉटरेज, जो आप बोलते हैं कि कितना की ये प्रिंट निकालते हो, तो तकरीबन 3800 इसकी एक बोतल जो उनसे प्रिंटिंग करती है। ये कंपनी की तरफ से बताया गया होता है कि ये तकरीबन आप 5 से 10 हज़ार ईजीली आराम से प्रिंटिंग कर सकते हैं, 5 हज़ार आप ब्लैक प्रिंटिंग कर सकते हैं, 5 हज़ार ही कलर प्रिंटिंग ईजिली कर सकते हैं। अगर आपकी वर्ड की फाइल या कोई छोटी मोटी और फाइल हो उससे आप इजीली 5 से 10 हज़ार आराम से इसे प्रिंटिंग कर सकते हैं प्लेन पेपर डाई इंक पे।
इसका जो कलर कम्बिनेशन है बड़ी बेहतरीन है, इसकी DPI बड़ी अच्छी है, रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। इसे आप मोबाइल के साथ भी कनेक्ट करके, यहाँ से इसकी IP निकलेगी और डायरेक्ट इसे कनेक्ट करके आराम से आप मोबाइल के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। विदाउट केबल आप PC से कनेक्ट करके इसको आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। प्लेन पेपर भी निकालता है, ग्लॉस पेपर, मैट पेपर और भी जो पेपर होंगे वो आराम से इससे निकाल देगा। CD भी निकालता है प्रिंटिंग करके, इसमें PVC कार्ड भी प्रिंटिंग हो जाती है। तो अभी मैं इस सिस्टम से आपको इसका एक फुल कलर का प्रिंट निकालता हूँ प्लेन पेपर पे। मैंने इसको PC से एक प्रिंट दे दिया है जो मैं अभी प्लेन पेपर के ऊपर प्रिंटिंग करूँगा, जो 70 ग्राम 80 ग्राम होता है। तो इसने रिसीव कर लिया है, फुल कलर प्रिंटिंग में इसको प्रिंट दे रहा हूँ और इसकी स्पीड भी अच्छी है। अगर आप प्लेन पे और प्लेन पेपर और टाइप इसकी बिल्कुल नॉर्मल स्टैंडर्ड पे रखेंगे तो ये 33 या 35 पेज पर मिनट प्रिंट निकालता है। अगर आप जब आप ग्लॉस पेपर, मैट पेपर या PVC प्रिंट करेंगे तो ये इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो ये देखें, अभी मैंने फुल पेज कलर प्रिंटिंग का इसको फाइल सेंड किया है, तो आप देखें ये प्रिंटिंग कर रहा है इसका हेड। तो अभी जैसे ही ये प्रिंट निकालेगा, इसकी मैं आपको कलर कम्बिनेशन चेक करवाता हूँ प्लेन पेपर के ऊपर। PS पे आप इजीली इसको चला सकते हैं, इसकी सप्लाई बहुत छोटी है और इस मशीन का जो ओवर हार वेट है 6 kg की ये मशीन है, इसको आप उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं इजीली। इससे आपको मैंने पेपर साइज बता दिया कि आप A4 लगा सकते हैं, मैक्सिमम लीगल तक कर सकते हैं, फिर इसमें 4x6 भी पेपर लगा सकते हैं और जो भी आपका रिक्वायर्ड हो पेपर वो आप इससे ईजिली लगा सकते हैं। तो आप चेक करें जी, इसने फाइल प्रिंट कर दिया, तो आप इसकी कलर कम्बिनेशन देख लें, बेहतरीन है, कोई कटिंग नहीं आ रही किसी जगह पे, लाइन वगैरह नहीं आ रही, कहीं से मिसिंग नहीं हो रहा। तो ये अभी इसको प्लेन पेपर की सेटिंग करके प्रिंट दिया। तो अगर जो आप फोटो पेपर करेंगे या दूसरा प्रिंट निकालेंगे तो बड़ा अच्छा ये प्रिंट करेगा। और कोशिश करेंगे इंक की क्वालिटी जो सी वो बेहतर वाली लें। मार्केट में नॉर्मल भी इंक मिलती है, 150-200 की एक बोतल भी मिलती है, 250 वाली भी मिलती है, 350 वाली भी मिलती है, 400 वाली भी मिलती है और जेन्युइन भी इसकी मार्केट में अवेलेबल है। तो कोशिश करें बेहतर वाली इंक डालें इसमें, ताकि इसकी प्रिंटिंग की जो इसका हेड की जो बेसिक लाइफ है वो ज़्यादा देर चले और प्रिंटिंग ये ज़्यादा करे और प्रिंट भी अच्छा निकाले, अपनी जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन है उसके साथ ये प्रिंट निकाले। तो देखें जी, साफ सुथरा पीस है। किसी भाई ने और भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर इसकी आपको ट्रे चाहिए हो PVC कार्ड की तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।